मेरा नाम मानव है। मानव यानी ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृति। आज मुझसे ऐसा अपराध हुआ है कि मैंने पूरी इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। जब श्री रामचंद्र जी को वन जाने का आदेश हुआ तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपनी माता के आदेश का उल्लंघन करना उन्हें गवारा नहीं था। माता जानकी और लखन जी भी वन को चले गए। दशरथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत ही बेबस और मजबूर थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की आंखों में चमक और चेहरे पर तेज था। दादाजी, मैं भी श्री राम बनूंगा। वाह मेरे बेटे, वाह। राम तो सिर्फ एक ही है बेटा, लेकिन हाँ, राम जैसा जरूर बना जा सकता है। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उसका बेटा राम हो। राम, ये लीजिए चाय, आराम से पीजिए। अजीब आदत है, हमारे लोग रात में भी चाय पीते हैं। और हर्ष, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? अरे इनकी कहानी के चक्कर में रहोगे तो रोज लेट होगे। जब देखो तब इस डब्बे से चिपके रहते हैं, पता नहीं कौन सा खजाना है। हाँ बहू, मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं, यही मेरी याद दिलाएगा तुम्हें। इतने साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन सुकून का एक पल मेरे नसीब नहीं हुआ है। अरे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारे बाबूजी, उनका खर्चा अलग। देखो मानो, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मुझे उसके लिए अलग कमरा चाहिए। या तो तुम हम दोनों को बाहर निकाल दो या उन्हें। पापा बड़े दिनों से आप गुरुजी के आश्रम जाना चाहते थे। मैंने सोचा चलते हैं, वहीं रुकिएगा, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मुझे पता है दादाजी, आपके पैर बहुत दर्द करते हैं। आपको छड़ी की जरूरत है, आप नई छड़ी क्यों नहीं ले लेते? बेटा मुझे छड़ी की क्या जरूरत, अरे तुम हो ना मेरा सहारा। इस बूढ़े बरगद को तुम बच्चे की मुस्कुराहट ही सींच रही है।
दादाजी कहाँ हैं? इस बूढ़े बरगद को तुम बच्चे की मुस्कुराहट ही सींच रही है। अरे तुम हो ना मेरा सहारा, हो ना मेरा सहारा, हो ना मेरा सहारा, हो ना मेरा सहारा, हो ना मेरा सहारा। केदारनाथ जी आप थक गए होंगे, थोड़ा जाके आराम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार, कहिए जी। वो केदारनाथ जी के बारे में कुछ क्या पूछना चाहते हैं? वो अभी आश्रम आए और आप लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे। अरे उनसे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। कैसे? वर्षों पहले वो हमारे यहाँ से एक बच्चे को गोद ले गए थे। क्या नाम था उसका? मानव। मानव।